क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड की लिस्ट आ चुकी है मेरे पास, तो चलिए देखते हैं कि कौन है आगे कौन है पीछे, किसको आपने बचा लिया है और किसको आप लोग अब इस वक्त घर से बेघर करना चाहते हैं। हालांकि आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार जो है लवकेश कटारिया को दे दिया है, विशालियंस जो है विशाल को प्यार दे रही हैं, वोट कर रही हैं लगातार, और ये वोट जो है हो चुकी है। 2 बजे तक वोटिंग लाइन ओपन थी, अब जो है वोटिंग लाइन हो चुकी है क्लोज। अब इसके आधार पर बिग बॉस जो है वो डिसीजन लेंगे या कोई नई गुत्थी खोलेंगे या कोई नया ट्विस्ट लेके आएंगे, ये तो बिग बॉस के ऊपर ही डिपेंड है। और जो भी बिग बॉस करेंगे वो सब चीजें जो है वो आप तक मैं पहुंचाऊंगी। अगर आपको एज अ लाइफ फीट में भी कुछ चीज पता नहीं चली कि आखिरकार कौन हुआ है घर से बेघर, मैं आप लोगों तक वो चीज पहुंचा दूंगी, क्योंकि बिग बॉस कभी कभार चाहते नहीं है कि आप तक ये चीजें पहुंचे, पर आप लोगों को पता है जो कहीं नहीं मिलता वो यहां जरूर मिलता है। तो अब जो है सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा वोट जो है लवकेश कटारिया को मिली है, और सेकेंड नंबर पे वोट जो है विशाल पांडे को मिली है, और तीसरे नंबर पे है शिवानी, और चौथे नंबर पे है अरमान मलिक, और पांचवें नंबर पे हैं दीपक चौरसिया। दीपक जो है डेफिनेटली जाना चाहिए, हालांकि उसने जो है लवकेश का साथ दिया पर चक्की तो नहीं चला पाया, पर वो एक बात होती है ना कि उसका भी दिमाग इतना ज़्यादा उम्र हो चुकी है कि लवकेश जब कन्फेशन रूम में गया था, जब अरमान मलिक के लिए गया था वहां पर, तब उसने यही बात बोला था कि हाँ चलो ठीक है इसको स्पेशल केस माना जाए, और उसने जो है अरमान मलिक को निकालने के लिए बात नहीं बोली, और वहां पर वो अटका नहीं कि अरमान मलिक को निकालना चाहिए क्योंकि उसने हिंसा की। अब जो है आखिरकार जो इंसान किसी के लिए इतना ज्यादा सोचता है, उस इंसान के लिए ये बात सोचना कि वो बाहर चला जाए, ये तो दीपक चौरसिया नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए दीपक चौरसिया ने भी लवकेश का साथ दिया और हाथ खड़ा किया कि वो नहीं चाहते हैं कि वो बाहर जाए। अब जो है दीपक चौरसिया ही बाहर जाने वाले हैं, दीपक चौरसिया को कम वोट मिली है, और आज एक एलिमिनेशन होगी 100%। मुझे लगता है कि दीपक का समय जो है इस घर में पूरा हो चुका है, और वैसे भी दीपक और कुछ कर तो नहीं पा रहा है, और वो व्हीलचेयर पे रहता है, चलो मेडिकल इशू है, पर अगर मेडिकल इशू है तो ठीक होके आना था यार, यहाँ पर आप व्हीलचेयर पे घूम रहे हो और दूसरे लोग आपकी व्हीलचेयर उठा रहे हैं, आपको उठा रहे हैं, आपको बाथरूम लेके जा रहे हैं, आपके कपड़े चेंज करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिग बॉस के घर पे आए हो, कोई हॉस्पिटल में नहीं आए हो कि आपकी कोई सेवा करे। तो एक इंसानियत होती है, अगर बाहरी दुनिया में रहेंगे तो आपकी जो लोग आपके आसपास में रहेंगे वो अपनी इंसानियत दिखाएंगे, यहाँ पर भी लोग इंसानियत दिखा रहे हैं, 4 कैमरा के सामने जो है बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से रखा गया है, पर ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जो है प्रेशर नहीं है, तो ये प्रेशर जो है नहीं डालना चाहिए बिग बॉस को। बिग बॉस को जल्द से जल्द दीपक को जो है घर से बेघर कर देना चाहिए। अब आप क्या बोलते हैं आप लोग बताइए।